बहुत समय पहले कुछ चुड़ैलें अपने नीले घोड़ों पर सवार होकर जलपरियों को लेने के लिए नदी के पास आती हैं। एक चुड़ैल कहती है, बहन यही है वो जलपरियों का तालाब और वो रही जलपरियां, हमें इन्हीं को लेकर जाना है। जल्दी से यहाँ वहाँ देख लो, कहीं हमें कोई पेड़ बनता देख ना ले, नहीं तो जलपरियां हमारे पास नहीं आएंगी। ऐसा कहकर वह सभी चुड़ैलें एक आम के पेड़ में बदल जाती हैं और वह आम के पेड़ धीरे धीरे नदी के पास चले जाते हैं। एक जलपरी की नज़र उन पेड़ों पर पड़ती है। वह जलपरी कहती है, देखो बहन ये इतने बड़े बड़े पेड़ यहाँ कहाँ से आ गए और इन पर तो रसीले आम भी लगे हुए हैं, चलो इन्हें जाकर खाते हैं। दूसरी जलपरी कहती है, बहन ये कोई छलावा भी हो सकता है। लेकिन एक जलपरी को फल खाने का बहुत शौक था, वह चटकोरी जलपरी थी। वह उनकी बात नहीं मानती और पेड़ के पास जाकर एक आम तोड़कर खा लेती है। वह जलपरी आम जैसे ही खाती है उसका सर चकरा जाता है और वह वहीं बेहोश हो जाती है। तभी सभी चुड़ैलें अपने असली रूप में आ जाती हैं और जलपरी को वहाँ से ले जाती हैं। यह सब देख बाकी जलपरियाँ घबरा जाती हैं। वे सभी चुड़ैलें चांद पर पहुंच जाती हैं क्योंकि जलपरी ने आम खाया था, इसलिए उसकी वजह से उसके पेट में भी एक पेड़ उग जाता है। एक चुड़ैल कहती है, बहनों चांद पर ये सबसे सुरक्षित जगह है जहां हमें कोई भी नहीं देख सकता, चलो अब जो पेड़ पर फल लगे हैं उन्हें खाकर अपनी संख्या बढ़ाते हैं। उस पेड़ पर एक लाल कलर का चमकीला आम भी उगा हुआ था, वह एक श्रापित आम होता है। चुड़ैल उस आम को छोड़कर बाकी सब आम खा जाती हैं और देखते ही देखते वह चुड़ैल कई गुना बढ़ जाती हैं। उसी चांद पर दो छोटी चुड़ैल भी रहती थी, वह यह सब देख लेती हैं और कहती हैं, ये अच्छी बात नहीं है, तुम अपने स्वार्थ के लिए किसी जलपरी को ऐसे नहीं मार सकते। लेकिन चुड़ैलें उनकी बात पर ध्यान नहीं देती और वहाँ से उन्हें भगा देती हैं। भाग जाओ यहाँ से, आई बड़ी समझाने वाली। वह दोनों ही छोटी चुड़ैलें बाकी चुड़ैलों की कोशिशें नाकाम करने के लिए परी के पास पहुँच जाती हैं और परी से सारी बात बता देती हैं। परी यह सब सुन हैरान परेशान हो जाती है। परी उनसे कहती है, जिस पेड़ों में से चुड़ैलों ने फल खाए थे उस पेड़ में एक लाल रंग का श्रापित फल भी होगा, वो फल तुम्हें किसी भी तरह मेरे पास लाना होगा, उसके बाद ही हम कुछ कर पाएंगे। फिर क्या था, दोनों छोटे चुड़ैले बिना टाइम गवाए चुपके से जाकर जलपरी के पेट से उगा हुआ वह लाल कलर का फल तोड़ लेती हैं और वापस परी के पास आ जाती हैं। परी वह फल लेकर और साथ में दोनों छोटे चुड़ैलों को लेकर जलपरियों के पास पहुंच जाती हैं और उनसे कहती हैं, जलपरियों तुम्हारी सहेली जलपरी को बचाने के लिए हम ये श्रापित फल तोड़कर लाए हैं, क्योंकि तुम अच्छाइयों की परी हो, तुम्हारे अच्छाइयों की शक्तियों से ही ये फल श्राप से मुक्त होगा। क्योंकि जलपरियां भी घबराई हुई थी तो वह परी की बात मान लेती हैं और अपनी सारी अच्छाइयों की शक्तियां उस फल में डाल देती हैं। वह फल श्राप से मुक्त हो जाता है और उसका रंग भी चेंज हो जाता है। फिर क्या, परी उसे खा लेती है। वह श्रापित फल बहुत ही शक्तिशाली था। जैसे ही परी उस फल को खाती है वह एक बहुत शक्तिशाली अच्छी चुड़ैल में बदल जाती है। परी जैसे ही अच्छी चुड़ैल में बदलती है चांद पर सभी चुड़ैलें जो कि कई गुना बढ़ गई थी वह दोबारा से एक हो जाती हैं। रानी चुड़ैल बहुत घबरा जाती है और उन्हें पुरानी बात बताती है और कहती है, जब मैंने शैतान गुरु की तपस्या की थी तो शैतान गुरु ने वरदान देते हुए कहा था कि हमें जलपरियों के पेड़ से उगे हुए फल खाने होंगे जिससे कि हम संख्या में डबल हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था, चुड़ैल रानी उस जलपरी के पेट से जो पेड़ उगेगा उस पे एक लाल रंग का श्रापित फल भी उगा हुआ होगा, उसकी रक्षा तुम्हें करनी होगी, वह किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए। लेकिन बहनों लगता है वो अब किसी के हाथ लग गया, जल्दी से चलो हमें उस जलपरी को छुपाना होगा। ऐसा कहकर सभी चुड़ैले गुफा की तरफ भागती हैं। लेकिन अच्छी चुड़ैल बनी परी उनके आने से पहले ही जलपरी को आजाद करा लेती है और जलपरी को ठीक कर देती है उसके पेट से पेड़ हटाकर। चुड़ैलों को नहीं पता था कि जलपरी आजाद हो चुकी है। वह जलपरी को आजाद हुआ देख काफी हैरान होती हैं। वह सभी चुड़ैलें दोनों छोटी चुड़ैलों को पकड़ लेती हैं और परी से कहती हैं, अगर तुम इन्हें मरता हुआ देखना नहीं चाहते तो अपने आप को खुद ही बंदी बना लो। अच्छी चुड़ैल परी कुछ नहीं कर सकती थी, वह खुद को बंदी बना लेती है, इसके अलावा कोई चारा नहीं था। फिर क्या, सारी चुड़ैले दोबारा शैतान गुरु को बुलाने के लिए और उनसे वरदान लेने के लिए यज्ञ करने लगती हैं ताकि उन्हें वरदान दोबारा से मिल सके, क्योंकि एक वरदान तो विफल हो गया था उस परी की वजह से। लेकिन पीछे से जलपरी कैसे भी करके उस जाल को अपनी अच्छाइयों की शक्ति से तोड़ देती है जिससे अच्छी चुड़ैल परी आजाद हो जाती है
और वह बिना टाइम गवाए यज्ञ कर रही सभी चुड़ैलों को मार देती है। बचाओ, हमारे बच्चों को दो चुड़ैले उठा ले गई, जल्दी बचाओ, कोई तो मदद करो। एक गांव के बहुत बड़े जमींदार के घर दो बच्चे पैदा होते हैं, जिसमें से एक लड़का तो दूसरी लड़की होती है। जमींदार कहता है, लड़का तो ठीक है, लेकिन लड़की का क्या करूं? लड़का तो मेरे इतने बड़े साम्राज्य की देखभाल करेगा, लेकिन लड़की तो बोझ है, इसमें तो बहुत खर्चा होगा। ऐसा सोचकर जमींदार लड़की को उठाता है और गांव के ही एक बदनाम खंडहर कुएं में उसको डाल देता है और भगवान से कहता है, हे भगवान, मुझे माफ करना, लेकिन मुझे लड़की नहीं चाहिए। ऐसा कहकर वह वहां से चला जाता है, लेकिन वह कुआ जिसमें उसने उस लड़की को फेंक दिया था, उसके दूसरी तरफ चुड़ैल लोक था, जहां पर बहुत सारी चुड़ैलें घुमा करती थी। वह लड़की एक चुड़ैल लोक में पड़ी थी और जोर जोर से चिल्ला रही थी। उसके रोने की आवाज एक भयंकर चुड़ैल सुन लेती है। वह चुड़ैल कहती है, ये तो किसी इंसान के बच्चे की रोने की आवाज है। इससे पहले दूसरी चुड़ैले उसके पास पहुँचे, मैं जाकर उसे उठा लेती हूँ। ऐसा कहकर वह चुड़ैल बिना टाइम गवाए उस लड़की के पास जाती है। आज तो दावत होगी। वह जैसे ही उस लड़की को उठाने लगती है, एक नागिन वहाँ पहुँच जाती है। नागिन अपनी शक्ति से उस चुड़ैल को वहाँ से भगा देती है। वहाँ हो रही लड़ाई को देख बाकी सारी चुड़ैले पहुँच जाती हैं और इकट्ठा हो जाती हैं। नागिन उन्हें भी अपनी शक्ति से मारकर भगा देती है और कहती है, ये मेरी बच्ची है, इसे हाथ भी मत लगाना, चली जाओ यहाँ से। नागिन उस बच्ची को उठा लेती है और कहती है, बहुत ही प्यारी बच्ची है, इसे तो मैं पाल लूंगी। ऐसा कहकर वह उसे कुएं से बाहर ले आती है और अपने जादू की शक्ति से एक घर बनाती है और उसमें रहने लगती है। नागिन कहती है, इसे पढ़ाना जरूरी है, लेकिन मैं इसे पढ़ाने के लिए स्कूल नहीं भेज सकती। अगर मैं उसे वहाँ भेजूंगी तो सभी चुड़ैले इसके पीछे पड़ जाएंगी और एक ना एक दिन इसे खा जाएंगी। ऐसा कहकर वह नागिन उसे घर में ही पढ़ाने लगती है। जो स्कूलों में शिक्षा मिलती है वह उसे वहीं देने लगती है। देखते ही देखते वह लड़की भी बड़ी हो जाती है और जमींदार का लड़का भी बड़ा हो जाता है। लेकिन जमींदार का लड़का बहुत ही निकम्मा था, वह कोई भी काम धंधा नहीं किया करता था और जुए में जमींदार के सारे गहने पैसे उड़ा दिया करता था। उसके ऐसा करने से जमींदार एक दिन कंगाल हो जाता है और उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि वह खेती करने लगता है। जमींदार कहता है, हे भगवान, कैसा निकम्मा बेटा दिया है मैंने, मेरी बेटी को फेंक कर बहुत गलत किया। आज अगर वह मेरे पास होती तो मेरा काम में हाथ बटाती। अब मैं क्या करूं भगवान, मेरी बेटी को वापस कैसे लाऊं? तभी एक दिन कुछ चुड़ैलें भेष बदल कर गांव में घूम रही थी, फिर उन्हें वह लड़की दिखाई देती है। एक चुड़ैल कहती है, बहन, ये तो वही बच्ची है जिसे नागिन ने बचाया था। इसकी खुशबू हूबहू वैसी ही है, ये वही लड़की है। लेकिन बहन, नागिन यही घूम रही है, अगर हम इसे पकड़ेंगे तो नागिन हमें मार देगी, कुछ और तरकीब लगानी होगी। तभी दूसरी चुड़ैल कहती है, अरे हाँ बहन, मैंने देखा था, एक जमींदार इस लड़की को कुएं में फेंक गया था। तभी चुड़ैल नागिन की बेटी के पास जाती है, क्योंकि उसने भेष बदल रखा था इसलिए नागिन उसे पहचान नहीं पाती। वह उसकी बेटी से कहती है, ये तुम्हारी माँ नहीं है, तुम्हारे माँ बाप तो एक जमींदार हैं, जिनकी हालत आजकल बहुत खराब है, तुम्हें उनसे मिलना चाहिए। नागिन की बेटी कहती है, क्या तुम सच कह रही हो, मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा। हाँ, ये बात सच है, चाहे तो तुम जाकर अपनी माँ से पूछ सकती हो। नागिन की बेटी अपनी माँ से कहती है, क्या तुम मेरी माँ नहीं हो, मैंने सुना है मेरे माँ बाप जमींदार हैं, तुमने आज तक मुझसे झूठ बोला, मैं उनके पास जा रही हूँ। ऐसा कहकर उसकी बेटी वहाँ से चली जाती है। वह दोनों चुड़ैले सब देख रही थी। चुड़ैल कहती है, नागिन की बेटी नागिन से अलग हो गई, अब इसे पकड़ना बहुत आसान है, अभी हमें भूख लगी है, चलो कुछ गांव के बच्चों को चुराया जाए और जाते जाते इसे भी उठा लेंगे। ऐसा कहकर वह चुड़ैले कुछ बच्चों को चुराने निकल पड़ती हैं। नागिन की बेटी उनके माँ बाप से कहती है, तुमने बचपन में मुझे कुएं में क्यों फेंक दिया था, तुमने ऐसा क्यों किया? अपनी बेटी को देखकर सरपंच को यकीन नहीं होता और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं।
तभी वह चुड़ैले अब गांव के कुछ बच्चों को उठा लेती हैं और वहां से भागने लगती हैं। गांव वाले जोर जोर से चिल्लाते हैं, बचाओ बचाओ, हमारे बच्चों को दो चुड़ैले उठा ले गई, जल्दी बचाओ, कोई तो मदद करो। नागिन की बेटी उन्हें देख लेती है, वह कहती है, मेरी माँ तो एक नागिन है, उन्हें बचा सकती है। नागिन की बेटी भागी भागी नागिन के पास जाती है और कहती है, मुझे पता है तुम मेरी माँ नहीं हो, लेकिन तुम उन बच्चों को बचाने में हमारी मदद करो। ऐसा सुनकर बच्चों को बचाने के लिए वह अपनी शक्तियाँ छोड़ती है। जैसे ही शक्तियाँ दोनों चुड़ैलों को लगती हैं, वे दोनों तड़पने लग जाती हैं। एक चुड़ैल कहती है, नागिन तुमने अच्छा नहीं किया, पहले तो इस लड़की को नहीं चुराने दिया और अब इन बच्चों को भी नहीं ले जाने दे रही, अगले जन्म में हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे।